सौदा करते हैं वो इंसान की कीमत क्या जाने, जो भगवान का सौदा करते हैं वो इंसान की कीमत क्या जाने, अरे गन्ने का पेमेंट दे ना सके वो किसान की कीमत क्या जाने, वो किसान की कीमत क्या जाने। संपूर्ण नगर में आयोजित की गई किसान महापंचायत को संबोधित करने आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां महापंचायत को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि वर्तमान भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज 3 महीने से अधिक समय बीत जाने पर देश का किसान सड़कों पर है, लेकिन सरकार किसानों की एक बात भी नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि यह वही भाजपा सरकार है जो 14 दिन में गन्ना भुगतान देने का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन आज किसानों का करोड़ों रुपए चीनी मिल मालिकों पर बकाया है। जयंत चौधरी ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि डीजल पेट्रोल की महंगाई चरम पर है और सरकार भ्रम में है। आंदोलन चल रहा है और अब सरकार बात करने को राजी नहीं है, लगभग 1 महीना बीत गया है, सरकार का तो रुख निकल कर नहीं आ रहा है, बात करने को राजी है। सरकार ने तो अपने स्टैंड को और ज्यादा हार्ड कर लिया है, खुद मोदी जी इसमें उलझ चुके हैं। तो ये बात साफ है कि सरकार शायद किसानों की बात मानने को राजी नहीं है, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, और इसलिए इस आंदोलन के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हम यहाँ लखीमपुर और पीलीभीत के बॉर्डर पे आए हैं, दूर दराज के इलाके के लोग यहाँ पहुँचे हैं, ताकि सरकार को ये एहसास मिले कि सीमित आंदोलन नहीं है, सब किसानों की भावना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वे आहत हैं, आक्रोशित हैं, और सरकार अगर आज नहीं मानेगी तो कल सरकार बदली जाएगी। सरकार का कहना है आंदोलन बहाना है, राजनीति निशाना है। देखिए, राजनीति का मुद्दा किसान और खेती होना चाहिए, कैसे आप किसान के जीविका में सुधार लाओगे, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है क्या? बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है, और राजनीतिक चोट देने के लिए, किसानों को संगठित करने के लिए लोकदल प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप देखा है यूपी में माहौल ऐसा है, मुख्यमंत्री औरंगजेब को गोली गाली देते रहते हैं, मुगलों की बात करते रहते हैं, मुजफ्फरनगर की दंगों की याद रहते हैं, इसके अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं। ये खेती का मुद्दा विकास का मुद्दा है। राकेश ने भी बात कही है कि अब 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे।